सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि DXN के अंदर हम ऑनलाइन ज्वाइनिंग या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। मेरे पास एक ज्वाइनिंग आई है, मेरी एक टीम मेंबर है, उनके रेफरेंस से एक ज्वाइनिंग है। तो आज इस वीडियो के ज़रिए से मैं न्यू ज्वाइनिंग या न्यू मेंबर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कैसे करते हैं वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले जो है कुछ डिटेल्स है जो आपके पास होनी चाहिए। जो मेंबर है उनका पैन कार्ड, उनका आधार कार्ड, उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। स्पॉन्सर का आईडी नंबर, स्पॉन्सर का नाम जिनके ज़रिए से मेंबर की रजिस्ट्रेशन होनी है। जो न्यू मेंबर है उनका मोबाइल नंबर और न्यू मेंबर का ईमेल एड्रेस होना चाहिए। और नॉमिनी में अगर मैरिड है तो हस्बैंड है तो वाइफ का नाम, वाइफ है तो हस्बैंड का नाम, या बेटा या बेटी का नाम हो सकता है। अगर मैरिड नहीं है तो ब्रदर का नाम या फादर या मदर का नाम जो ऐड करना है वो नेम प्लस उनका जो रिलेशन है, ये डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो। तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो DXN की जो वेबसाइट है उस पर जाना है, eworld.dxn2u.com। तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो यहाँ पर अपना डिस्ट्रीब्यूटर कोड, पासवर्ड और ये सिक्योर कोड डाल के एंटर करके लॉगिन कर सकते हैं। बट हमें क्योंकि न्यू मेंबर रजिस्ट्रेशन करना है तो हम नीचे जाएंगे, यहाँ पर लिखा है बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर, तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन। तो ये कुछ डिटेल्स है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आप इसको पढ़ सकते हो। और पढ़ने के बाद आप यहाँ पे लिखा है आई हैव रेड एंड अंडरस्टैंड, इसको आप क्लिक करोगे तो आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। अब जब आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको सिलेक्ट कंट्री, तो जिस कंट्री का आपके मेंबर है वो उस कंट्री से ज्वाइनिंग कर सकते हो। DXN का एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये है कि वन वर्ल्ड वन मार्केट होने की वजह से हम इंडिया के अंदर जो आईडी हम बनाते हैं उसके ज़रिए से हम वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी, कोई दूसरी कंट्री में भी अगर किसी को हमें ज्वाइन करना है तो हम कर सकते हैं। तो ये मेंबर क्योंकि इंडिया का है, हम यहाँ पर सिलेक्ट कंट्री में जाएंगे और हम इंडिया चूज़ करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर देखिए कि स्पॉन्सर आईडी ये मांग रहा है। नीचे एक ऑप्शन है टिक हियर इफ यू डू नॉट हैव अ स्पॉन्सर कोड। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको टिक ना करें। अगर आप पहली बार इस वीडियो पे आ रहे हो और आपके पास कोई स्पॉन्सर नहीं है तो आप ये ऑप्शन क्लिक ना करें। आप कोई स्पॉन्सर तलाश करें और उसके ज़रिए से या उनके आईडी के ज़रिए से ही आप ज्वाइन करें, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, उसमें एक मेंटोर, एक स्पॉन्सर की बहुत बड़ी अहमियत है, क्योंकि वो आपको ट्रेन करते हैं, आपको गाइड करते हैं। तो आप किसी स्पॉन्सर को तलाश करिए, जो आपका स्पॉन्सर है आप उसको तलाश कर सकते हो, या जिसने आपको DXN में ज्वाइन होने के लिए रेफर किया है आप उनका स्पॉन्सर आईडी आप यहां पे ऐड कर सकते हो। तो क्योंकि ये मेंबर जो है मेरी टीम में ज्वाइनिंग है और उनके ज़रिए से इनका आईडी बनना है तो हम उनका स्पॉन्सर आईडी डालेंगे, यानी उनका आईडी एज अ स्पॉन्सर यूज़ होगा। तो ये उनका आईडी है, जैसे ही आप पूरा आईडी नंबर आप उनका डाल दोगे जिनके ज़रिए से ज्वाइनिंग होनी है, और उसके बाद में आप ये जो ब्लू बॉक्स के बाहर कहीं पे भी आप टैप करोगे तो ऑटोमेटिकली वो नंबर से उनका नाम फेच कर लेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि नाम आ चुका है। और फिर उसके बाद में बेसिक प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज़ जो है उसको आपको स्क्रॉल डाउन करना है, आप रीड कर सकते हो। आपको उसको रीड करते हुए नीचे आना है और यहाँ पर आप देखिए ब्लू कलर में लिखा है आई अग्री कंटिन्यू टू स्टेप टू। आप जब इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये नेक्स्ट पेज की तरफ ले जाएगा जहाँ पे आपको डिटेल्स एंटर करने होंगे। तो जो नेक्स्ट पेज है वो इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पर आपको अपने डिटेल्स, जो मेंबर है, जो न्यू मेंबर है, उनके डिटेल्स प्रॉपर एंटर करने हैं। जिस तरीके से आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड में दिए हैं उसी तरीके से आपको उसमें एंटर करना है। तो यहाँ पे देखिए आ गया हमारा स्टेप टू। यहाँ पे ऑलरेडी आप देखो स्पॉन्सर के साथ उनका नाम आ चुका है और ज्वाइनिंग डेट यानी आज की डेट है। अब यहाँ पर जो न्यू मेंबर है उनका हमें नाम ऐड करना है, यहाँ पर हम टाइप करेंगे। आप ध्यान रखिए कि जो स्पेलिंग है आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। उसके बाद में आपको फादर नेम ऐड करना है, फिर इनकी डेट ऑफ बर्थ जो पैन कार्ड में लिखी है,
आप उस तरीके से इनको ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम ईयर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में इनका जो मंथ है और जो डेट है, उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करने वाले हो उसके डिटेल्स आपको डालना है। तो जैसे आप यहाँ देखिए पैन कार्ड नंबर आपसे मांग रहा है और नीचे आपको आधार कार्ड का नंबर भी पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम जो है पैन कार्ड के डिटेल्स ऐड करेंगे। तो ये जो डिटेल्स है मैंने ब्लर्ड इसलिए रखा हूँ क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस या प्राइवेसी रीजंस के वजह से। बाकी आप देखिए कि पैन कार्ड हमें ऐड करना है, नेम ऐड करना है, तो ये सारी डिटेल्स हमको अपने जो मेंबर है उनके यहाँ पर ऐड करने हैं। तो ये हो गया पैन कार्ड। अब देखिए यहाँ पर नीचे जो है आधार कार्ड का ऑप्शन है, तो क्योंकि हम इस मेंबर का जो है आधार कार्ड भी ऐड करने वाले हैं तो हम आधार कार्ड का नंबर भी इसमें ऐड कर देंगे। तो हमने आधार कार्ड का नंबर भी यहाँ पर ऐड कर दिया है। यहाँ पे अभी हमें एड्रेस ऐड करना है। तो आप यहाँ पर देखिए कि जहाँ जहाँ पर आपको ये रेड कलर का एस्ट्रिक या स्टार साइन दिख रहा है वो डिटेल्स कंपलसरी है, वो डिटेल्स ऐड हमें करना है, उसके बिना जो है नेक्स्ट स्टेप पे ये नहीं जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिए कि जहाँ जहाँ पर ये एस्ट्रिक रेड कलर का जो स्टार बना है वो आपको फिल करना है, अगर वो आप एम्प्टी रखोगे तो नेक्स्ट पेज पे ये नहीं जाएगा। अब इनका जो मोबाइल नंबर है हमें वो मोबाइल नंबर ऐड करना है। फिर आप जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ये ईमेल एड्रेस मांग रहा है, तो ईमेल एड्रेस में आपको टाइप करना है। तो प्राइमरी ईमेल आपने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे जो मैरिटल स्टेटस है आपसे जो पूछ रहा है, यहाँ पे अगर मैरिड है जो मेंबर है मैरिड है तो आप मैरिड सिलेक्ट करोगे, अगर सिंगल है तो आप सिंगल सिलेक्ट करोगे, अदर है तो अदर सिलेक्ट करोगे, अगर शादी हो गई है और हस्बैंड और वाइफ दुनिया में नहीं रहे तो आप इसको विडो कर सकते हो। अब यहाँ पे स्पाउस का जो नाम होता है, यानी अगर हस्बैंड है तो वाइफ का नाम लिखना है और वाइफ है तो हस्बैंड का नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पर इनकी बीवी का नाम, पत्नी का नाम लिखूँगा। बेनिफिशरी का मतलब होता है कि कल को अगर मेंबर को कुछ हो जाता है तो उनके बाद ये आईडी किसको ट्रांसफ़र करना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी वाइफ का नाम दिया है तो हम उनकी वाइफ का नाम ऐड करेंगे। और यहाँ पर रिलेशनशिप जो है क्योंकि वाइफ है तो हम वाइफ सिलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद यह कंटिन्यू ब्लू कलर में आपको जो बटन दिख रहा है आप उसको टैप करेंगे तो ये कंटिन्यू होके नेक्स्ट पेज पे जाएगा। तो ये अब देखिए कि नेक्स्ट पेज पे आ चुका है, ये स्टेप थ्री है। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स जो आपने एंटर की है वो आपको चेक करने के लिए पूछ रहा है कि आप देख लीजिए एक बार कि आपने जो डिटेल्स दिया है वो सब करेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पे दो चेकबॉक्स दिया है कि आई हियर बाई डिक्लेयर दैट ऑल दी इन्फॉर्मेशन, तो आप दोनों को चेक कर दीजिए और उसके बाद में आपको सबमिट जो बटन है उस पर क्लिक कर देना है। ओके, अब हम नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं जहाँ पे मेंबर का प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट ये हमसे मांग रहा है, तो एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए नीचे एक ऑप्शन दिया है कि अपलोड करना और अपलोड लेटर। अगर आप अपलोड लेटर पे क्लिक करोगे तो ये डायरेक्टली आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। बट यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगा कि आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स है तो अभी आप अपलोड कर लीजिए। अगर आप अपलोड लेटर पे करोगे तो बोनस लेने के लिए, कल को अगर आपका बोनस बनता है वो बोनस लेने के लिए आपको एक फ्रेश फॉर्म, जो मेंबर फॉर्म है वो आपको डाउनलोड करके उसका प्रिंट लेना पड़ेगा, पूरा फॉर्म आपको फिल करके फिर उसके साथ अपने जो पैन कार्ड आधार कार्ड जो डॉक्यूमेंट है उसका प्रिंट आउट लेना पड़ेगा और उसको अटैच करके आपको चेन्नई पे कुरियर या पोस्ट से भेजना पड़ेगा। तो ये एक एक्स्ट्रा काम आपके लिए हो जाएगा। तो अगर आप इस स्टेप पे हो तो आप ये आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसको आप अभी अगर अपलोड कर दोगे तो अच्छा रहेगा, जो एक्स्ट्रा स्टेप है वो आपको करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो एड्रेस प्रूफ है उसे हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रहा है तो कॉपी ऑफ आधार कार्ड, ये हम सिलेक्ट करेंगे। और जो फाइल हमें ऐड करना है यहाँ पर
जो आधार कार्ड है उसकी हम फाइल को सिलेक्ट करेंगे। सेकंड, जो आइडेंटिटी प्रूफ ये जो मांग रहा है वो आप देखिए, तो हमें पैन कार्ड ऐड करना है, तो ये हम पैन कार्ड सिलेक्ट करेंगे और जो फाइल है हम उसको, ये रहा पैन कार्ड, हमें इसे सिलेक्ट करना है। तो जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड, ये हमारा सिलेक्ट हो चुका है। अभी हमें फ़ोटो, हमारा फ़ोटो, तो आप ये ध्यान रखिए कि फ़ोटो जो है आपका प्रॉपर साइज़ का होना चाहिए, तो हमने इसको सिलेक्ट कर दिया। अब ये सारी डिटेल्स जो है हमने इसमें ऐड कर दिया, अब इसको हम अपलोड कर देंगे। तो जैसे ही आप अपलोड करोगे तो आपको एक वेलकम लेटर आएगा कंपनी की तरफ से, और उसमें आपका आईडी नंबर, आपका स्पॉन्सर का आईडी नंबर, आपका नाम और स्पॉन्सर का नाम लिखकर दिख जाएगा। तो ये बताएगा कि आपका आईडी बन गया है। तो अभी आपका जो आईडी है वो परचेस के लिए और आगे मेंबर्स को ज्वाइन करने के लिए भी रेडी है। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ कि जब आपका आईडी बन जाएगा तो आपके मोबाइल के ऊपर आपको आपका आईडी नंबर और एक बोनस पिन का मैसेज आएगा, और उसी तरीके से आपको जो ईमेल है, ईमेल के ऊपर ई वर्ल्ड या DXN ऐप का लिंक मिलेगा, जिससे आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करके आप अपना DXN ऐप और ई वर्ल्ड सिस्टम को लॉगिन कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ये पता चल गया होगा कि ऑनलाइन ज्वाइनिंग या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाता है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, गुड मॉर्निंग DXN।